प्रॉब्लम ऑन एजेस देख रहे थे, ओके एक मॉडल देख लेंगे उसमें कंटिन्यूएशन। बेसिक मॉडल देख लिए थे, जो मेन जो मॉडल रहता एवरेज कंपैरिजन वो देख लिए थे, ओके एक कंटिन्यूएशन मॉडल है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम्स। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है, ओके राइट, देखेंगे कि सॉल्यूशन है कि नहीं है। वैसे कल मज़ा आया शॉर्टकट्स में, मज़ा आया राइट, ओके। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, हालांकि क्वेश्चन पेपर ये लोग ही लाए थे, मैं तो नहीं लाया था हूँ, नहीं तो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, लॉजिकली आप उसका आंसर निकाल सकते, लॉजिकली आप उसका आंसर निकाल सकते, पूरे क्वेश्चन आप वैसे रहते, पूरा जितना भी मैथमेटिक्स रीजनिंग जितने भी है ना, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे लॉन्ग कट में जाओ या तो आप शॉर्ट कट में जाओ, ओके वो आपकी मर्ज़ी, और पूरे क्वेश्चन वही सिस्टम पे वही उसके ऊपर रहता हूँ। कल जितने भी बताया आज भी उसे बताता हूँ, इंशाल्लाह देखेंगे उसको। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में टाइम ज़्यादा जाता, शायद कल प्रोजेक्टर आ जाएगा अपना, तो आज उसको थोड़ा सा मैनेज कर लूँ। नेक्स्ट जो मॉडल है वो क्वेश्चन पेपर वाले आए क्या? अरे यहाँ का फैन डालो, मियाँ डाले क्या, ओके हाँ आज हाँ आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है, हाँ अच्छे दिन आगे बढ़ रहे। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ओके राइट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो इसमें आज हम जो मॉडल देखेंगे वो ट्वाइस एंड थ्राइस मॉडल, ये मॉडल में से भी क्वेश्चंस आ रहे, एसए में आ रहे, कांस्टेबल में नहीं आ रहे, ठीक है, मगर बोल नहीं सकते, थोड़ा सा उसको पढ़ लेना। दो स्टेटमेंट लिखता हूँ, वो दो स्टेटमेंट में फ़र्क अगर मालूम कर लिए तो ये मॉडल आपको समझ में आ जाता, ओके ट्वाइस एंड थ्राइस मॉडल, ओके क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आया क्या, ट्वाइस थ्राइस आए, ओके ठीक है, पहले मॉडल कर लेंगे, ओके तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्टेटमेंट को समझ जाओ पहले। फादर फादर एज इज, लिखने की जरूरत नहीं है, खाली देखो उसको, ठीक है लिखते तो लिख लो, फादर एज इज थ्री टाइम्स THR EE, थ्री टाइम्स मोर, सॉरी थ्री टाइम्स दी एज ऑफ दी सन। ये पावर पॉइंट रहता तो टका 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 स्पीड में निकलता था आंसर, अभी लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहा या प्रोजेक्टर रहा, समझो एक दिन में एक चैप्टर मार सकते हैं, एक दिन में दो चैप्टर्स भी मार सकते हैं, यानी 10 दिन में मैथ्स पूरा ख़त्म, वो बेनिफिट रहता हूँ, नहीं देखेंगे कल, कल तक कल लग जाएंगे इंशाल्लाह। यस एक स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट फादर एज इज, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये वन ये टू, फादर एज इज थ्री टाइम्स more than the age of his son। ये क्वेश्चन है, ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें में फ़र्क अगर समझ में आ गया तो इसका शॉर्टकट आप निकाल सकते, यानी इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते, ओके दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फादर एज इज थ्री टाइम्स द एज ऑफ द सन, सपोज कल का ही एग्जाम्पल लेंगे, ओके कल का एग्जाम्पल लेंगे सेम, हाँ बोलो कल का एग्जाम्पल लेंगे, सपोज मेरी एज 10 साल है, अब बात में इतने छोटे हो गए क्या सर, बोलते एग्जाम्पल है वो, ओके सपोज मेरी एज 10 साल है राइट,
और मोदी साहब की एज सपोज 30, थर्टी ले लो, मेरी एज अगर 10 साल है और मोदी साहब की एज 40 साल है, तब ये रेशियो क्या हो गया, 1:3, ये फर्स्ट रेशियो हो गया, और ये रेशियो क्या हो गया, 4:1। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, फादर एज इज 3 times द एज ऑफ हिज सन, बोल के बोले तो 3 times, तो इन्हें 1 गुना है तो उन्हें 3 गुना है, उसका मतलब ये है 3 times द एज ऑफ हिज सन, इन्हें 1 गुना है तो उन्हें 3 गुना है, इन्हें 10 है तो उन्हें 30 है, समझ में आ गया ना, 3 times द एज ऑफ हिज सन। वही स्टेटमेंट को फादर एज इज 3 times मोर का वर्ड आया, समझो मोर का अगर वर्ड आया तो आप क्या करेंगे, 4:1 लिखेंगे, खत्म, इतना ही। अब ये कैसा है बोले तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो क्वेश्चन कहाँ है, रेडी रखो। फादर एज इज 3 times मोर देन द एज ऑफ हिज सन, बोल के बोल तो 3 times मोर, मोर का मतलब एक्चुअली वो 3:1, ये मोर फिर जाके इसमें ऐड होता तो ये 4:1 होता, वो टच, समझ में आ गया ना, 3 times मोर बोल के आया तो 3+1 डाल देना, राइट, 4 times मोर देन बोल के आया तो 1:5 आता, 4 times द एज ऑफ हिज सन बोले तो 1:4 आता, मोर का वर्ड आया तो जो अल्फाबेट है उसको 1+ कर दो, वो टच, वो कॉन्सेप्ट। अभी ये कैसा आ रहा, क्या शॉर्टकट है उसका, दट से अब उसको एक्सप्लेनेशन इज अ डिफरेंट थिंग, एक्सप्लेनेशन को छोड़ दो, बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक आ गई, ओके। फादर एज इज 3 times द एज ऑफ हिज सन बोल के बोलो तो इन्हें 1 गुना उन्हें 3 गुना, फादर एज इज 3 times मोर देन द एज ऑफ हिज सन और 3 times मोर द एज ऑफ हिज सन, ऐसा कुछ बोला समझो, तो 1:4, 1:3 प्लस ये 1 फिर और एक बार ऐड होगा, 1:4 होता, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, राइट, ओके। अब मैं इसको मेट देता हूँ, राइट, अब आ गया आपका क्वेश्चन, राइट, पावर पॉइंट रहता तो शायद स्पीड में निकल जाता था, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट, क्वेश्चन है, I am 3 times as old as my son, मोर का वर्ड आया नहीं आया, 15 years, यहाँ फुल स्टॉप है, 15 years hence, 15 years hence, I will be twice as old as my son. ओके, द सम ऑफ देयर एजेस इज, दोनों की सम ऑफ दी एज, द सम ऑफ देयर एजेस इज, ये क्वेश्चन है, ओके, राइट, सम ऑफ देयर एजेस इज, दोनों की एज का सम कितना है, राइट, ओके, नेक्स्ट क्या वाला, 15 years हेंस, ट्वाइस
एज ओल्ड एज माई सन, बोला ओके। यस, इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं आप, अग्रवाल फॉर्म में भी कर सकते हैं, इसको ऑप्शन मेथड में नहीं कर सकते, ये सीखना ज़रूरी है। कांस्टेबल में आया था क्या है लास्ट टाइम, मोर देन ट्वाइस क्या है, हाँ थ्राइस का है, ओके इसमें भी है ना, थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स क्या थ्राइस का एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 22, ओके देखेंगे इसको। तो अब यहाँ पे मोर का वर्ड है नहीं है, तो क्या करना अपने को, फादर अगर 3x है, एक्चुअली इसका रेशियो क्या होता है, 3:1 है वो, 3:1 बोले तो अपन x लगाते अग्रवाल मॉडल में, इसलिए अग्रवाल मॉडल में सीखना ज़रूरी है, और इसका x होता है ना, फादर का अगर 3x है तो इन्हें x है, क्योंकि 3 times एज ओल्ड एज माई सन, इन्हें बाप 3 गुना इन्हें 1 गुना, 15 years हेंस बोला, 15 साल के बाद, मतलब प्लस 15 साल, तो इसमें क्या होगा, x प्लस 15 होगा, 15 साल के बाद ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, बोल के बोला आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, ओके। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सिंपली ये 15 साल, ओके 3 times है उन्हें 15 साल, राइट, इज इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज माई सन 2x, ये 15 साल के बाद वाला है ना, पहले ये इन्हें 1 गुना है, गर्ल्स दिख रहा, इन्हें 1 गुना है तो इन्हें 3 गुना है, यहाँ तक आ गए अपन, आई एम 3 times एज ओल्ड एज माई सन, यहाँ तक आ गए, 15 years हेंस यानी उसके अंदर 15 साल जब मिला है तो इसके अंदर भी 15 मिलाएंगे, x प्लस 15, 15 साल के बाद इन्हें ट्वाइस एल्डोज एज ओल्ड एज इज सन बोला, 15 साल, ये बेटे की उम्र है, इसमें अगर 15 साल मिला है तो इन्हें बेटे की उम्र से डबल जाता, तो ये बेटा है ना, बेटे की उम्र से बट 2x, ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आया, हाँ 15 years हेंस बोला ना, 15 साल के बाद, हेंस का मतलब कभी भी आफ्टर आता, हेंस का मतलब क्या लिखते हैं आप, कभी भी आफ्टर आता, 15 years हेंस, ओके 15 years हेंस, तो ट्वाइस एज ओल्ड एज माई सन, हाँ सन कहने 15 के स्टेटमेंट में क्या बोला, 15 years हेंस 15 साल के बाद आई विल बी, तो इन्हें ये बाप है, बाप के 15 साल, ट्वाइस एज ओल्ड एज माई सन बोला, तो यहाँ से ट्वाइस होता, यहाँ से ट्वाइस होता नहीं, तो अब इसका वैल्यू निकालो, 3x ये इधर गया तो -2x इज इक्वल टू 15, हाँ 3x माइनस 2x, अच्छा ओके हाँ ठीक है, थ्री एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू कैसा लिखते, 2x प्लस 15, ट्वाइस एज ओल्ड एज माई सन बोला ना, ट्वाइस ये बेटे की उम्र है, बेटे की उम्र 15 साल के बाद इन्हें जब 15 साल तक पहुँचेगा तो बेटे की इनिशियल उम्र से डबल जाएगा वो, ट्वाइस एज ओल्ड एज माई सन, ठीक है राइट, तो यहाँ पे हम वो एक्सप्रेस 15 काउंट नहीं करते, 15 साल के बाद इसकी उम्र भी ये होती, लेकिन यहाँ इन्हें जब 15 साल गया तो ये उम्र का डबल होता, ट्वाइस एज ओल्ड एज माई सन, वो है स्टेटमेंट राइट, ओके। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 15 भी अगर लिए तो x इज इक्वल टू माइनस 15 आ रहा हो, x इज इक्वल टू 15 आना, हाँ नहीं नहीं तो देखिए x इज इक्वल टू 15 आता, आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई सन, ओके द सम ऑफ देयर एजेस इज, हाँ
कैसा होता हूँ? सिक्सटी ईयर्स हाँ यस ट्वाइस द एस यस यस प्लस 15 राइट ओके इसको मल्टीप्लाई करो टू एक्स प्लस 30 सो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 15 सो x इज इक्वल टू 15 राइट हमारे वो मॉडल में जाएंगे आ रहा क्या एक बार चेक करेंगे ये 3:1 है ना आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई सन 15 ईयर हेंस 15 साल के बाद इन्हें 2:1 हो रहा ट्वाइस एज ओल्ड एज माई सन हाँ एक्स इज इक्वल 15 बराबर है ना 3x इज इक्वल टू 15 डाला हाँ ओके प्लस इधर आया तो माइनस होगा राइट ओके इसको एक बार चेक करो आ रहा क्या हाँ 2:1 हाँ तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 4:2:3:1 ये 15 ईयर्स का गैप है ठीक है आफ्टर 15 ईयर्स तो ये 1 बोले तो 1.1 इज इक्वल टू 15 ऐसा भी आया राइट 1 इज इक्वल टू 15 ऐसा भी आया ठीक है तो यस लेकिन बेटर टू गो विद दिस फॉर्मूला आप क्या है सो जब ट्वाइस एंड थ्राइस मॉडल्स अगर जब सॉल्व करेंगे तो आप ये मॉडल में जाएंगे दिस मॉडल इज बेटर कभी कभी आपको ये ग्राफ मॉडल हाथ दे देता आपको ओके दैट मे कन्फ्यूज यू राइट एक बार मैं फिर से समझाया तो आई एम थ्राइस एज ओल्ड एज माई सन 15 ईयर हेंस आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई सन ओके तो 15 साल के बाद उसके बेट यस एक्स प्लस 15 उसके ट्वाइस में लेंगे राइट इसको ही बेस बनाएंगे राइट ओके ओके 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 30 होता तो x इज इक्वल 2x 3x तो ये यहाँ से सॉल्व करें तो आपको x इज इक्वल टू 15 निकल के आया या ये डायग्राम से डाले तो सेकंड स्टेप डालना पड़ता क्यों क्यों सेकंड स्टेप डालना पड़ता मैच नहीं हो रहा फर्स्ट ग्राफ मैच नहीं हो रहा 1 और 1 0 आ रहा यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा 1 और 0 डिफरेंस नहीं हो सकता राइट ओके तो इस तरीके से करेंगे एक्स इज इक्वल टू 15 आया क्वेश्चन क्या पूछा द सम ऑफ देयर एजेस इज ओके सम ऑफ देयर एजेस इज इन्हें 3x है बोले तो 3:15 और ये x बोल तो 15 सो इज इक्वल टू 60 आंसर इज 60 इसमें कोई शॉर्टकट मॉडल की ट्राइज एंड थ्राइज आ गया तो समझो फंस गए तुम ओके राइट इसमें ऑप्शन मेथड से एलिमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल है मैं फिर भी चेक करता हूँ अगर शॉर्टकट मॉडल से अगर आ रहा तो एक बार बता दूंगा हो गया ये लिख लो यदि हाँ 15 3 45 3x है ना 3:15 इज इक्वल टू 45 ये 45 और ये x है ना भाई 15 हाँ अच्छा यहाँ क्वेश्चन में भी व्हाट इज द सम ऑफ देयर सम ऑफ द एजेस प्रेजेंट एज लिखना हो प्रेजेंट एज प्रेजेंट बोल तो ये ना ये 15 साल बाद वाली है नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया क्वेश्चन का टाइम ज़रा बचता था अपने को अगर हाँ नहीं वो कन्फ्यूज में लिख लेते हैं बेटर ये उससे अच्छा तो लिख देना अच्छा है वो बोलने से तो हो गया 3 times द एज ऑफ हिज सन राइट ओके मेट दो क्वेश्चन तो लिख लिए थे ना
यस नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 years more than 3 years more than 3 times the age of his son 3 times the age of his son okay yeah full stop द फादर एज विल बी 3 को ऐसा लिखता हूं मैं 3 ईयर हेंस द फादर एज विल बी द फादर एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन Twice the age of his son. Ten year more than twice the age of his son. The present, the father present age is. The father present age is. ये एयर अप कर दूं इधर का ये यही क्वेश्चन है शायद मेरे ख्याल से उसमें कौन सा कहाँ है वो क्वेश्चन नंबर मेरे पास है क्वेश्चन नंबर क्या है 50 22 एक है ऐसा 52 या 22 क्या 22 द रामो अर्न्स थ्राइस एज मच एज इज 3 months ये नहीं जी वो अर्न बोल तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता हो अर्निंग इज ये क्वेश्चन नहीं होता हो एजेस पे नहीं होता है क्वेश्चन एजेस पे नहीं होता ये पर्सनल लिमिट तो सिटी एट द एम ओके ये एवरेजेस पे है 22 वाला क्वेश्चन इसमें नहीं आता एजेस में नहीं आता और कोई क्वेश्चन है हाँ किस में है वो कौन सा क्वेश्चन पेपर है द एज ऑफ द फादर इज 4 years अगो वॉज 8 times द एज ऑफ हिज सन एट प्रेजेंट द फादर एज इज 4 times दट ऑफ हिज सन ओके What are the present ages of father and the son? Okay. ये भाग्य किरण इंस्टीट्यूट का है ना आपने को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पेपर था ना खैर इसको भी लेंगे अपने मॉडल्स होने के बाद लेंगे इसको एक मॉडल में है ये सेम मॉडल ओके राइट यस तो अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे मेटो इसको यस यस द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन ओके 3 times का मतलब इन्हें एक्स रे आ तो इन्हें 3x रहता था 3 year more than बोल रहा हूँ मतलब 3 plus 3x ओके खाली मोर देन बोलता तो हम डायरेक्ट 4x लिखते थे उसको ठीक है ना ओके और उसके बाद केवल आफ्टर 3 years बोलते 3x प्लस ये 3 और वो 3 6 तो इन्हें क्या होगा x प्लस 6 होगा ओके अब इसको बेस बनाओ आफ्टर ओके आफ्टर 3 years यहाँ लिखा आफ्टर 3 years
द फादर एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन आफ्टर 3 ईयर्स. बोल तो ये 3 ईयर्स हो गया, 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. सेम ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स बोल रहा ना, कौन सा? हाँ अच्छा सॉरी, एक्स प्लस थ्री है वो, सॉरी एक्स प्लस थ्री है वो, ठीक है एक्स प्लस थ्री है. अब इसको सॉल्व करो. ओके सो 2x और 3x प्लस 6 इज इक्वल टू, टू एक्स प्लस, ऐसे लिखेंगे टेन ईयर्स मोर देन है ना, एक मिनट, टेन ईयर्स, हाँ एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? 2x प्लस, अच्छा हाँ यस 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 करेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया अब, राइट ओके. तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 6, सो x इज इक्वल टू, एक मिनट एक मिनट, अच्छा ये 6 गया, राइट हाँ मैं ये 6 को नहीं देख रहा हूँ, राइट ओके. तो x इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या चलेंगे, एक्स इज इक्वल टू 10, यस. 3x माइनस 2x, 6 और 6 गया, यस 6 और 6 गया, 16 माइनस है, 6 इज इक्वल 10, यस ओके. मैं वो 6 नहीं देख रहा हूँ उधर, ओके राइट नो प्रॉब्लम. एक्स इज इक्वल, तो क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फादर, परसेंटेज ऑफ फादर क्या है, ये है 3 प्लस 3x, ओके सो 3 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, 30 हो जाता, 33 इज द फादर से, राइट ये लिख लो. हाँ टू एक्स और ये 6, ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया, 3 ईयर्स हेंस द फादर एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. ये एज ऑफ हिज सन है, 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन स्टेटमेंट में है वो. हाँ 3x प्लस 6 तो ये है, आफ्टर 3 ईयर्स बोल के है ना यहाँ पे, आफ्टर 3 ईयर्स बोल के. देखो और एक बार समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, राइट ओके. तो 3 टाइम्स मोर, अगर सन अगर एक्स है तो फादर क्या होगा, 3x होगा, 3 टाइम्स, 3 ईयर्स मोर देन बोला, ये 3 ईयर्स मोर देन ट्राइस द एज ऑफ हिज सन, ये आ गया. आफ्टर 3 ईयर्स बोला, यहाँ पे 3 ईयर्स प्लस होगा, यहाँ पे 3 ईयर्स प्लस होगा, तो तब क्या होगा, 3x प्लस 6 होगा वो, क्योंकि ये 3 और 3 6, तो यहाँ पे x प्लस 3 होगा, यहाँ स्टेटमेंट आ गया आफ्टर 3 ईयर्स का आ गया. ओके आफ्टर 3 ईयर्स द फादर एज विल बी, क्या बोला, 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. मैं कैसा लिख रहा हूँ देखो, 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द, ये एज ऑफ हिज सन है ना उसका ट्वाइस, तो अब आप क्या करेंगे उसको, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 2x प्लस 6, राइट. तो फाइनली क्या आएगा, ये 6 और 6 अगर आप कट कर दिए तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, x इज इक्वल 10 आता, मतलब 33 आता, राइट ओके. 3 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ये मैं कैसा लिखा अगर वो अगर समझ गए तो आपको इस किस्म के आंसर्स को इजीली ट्रेस आउट कर सकते. ओके 3 ईयर्स हेंस द फादर एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन बोला. ओके 3 ईयर हेंस का मतलब क्या होगा, ये 3 साल की स्टेटमेंट है. सो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 प्लस 2x प्लस
थ्री। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x+6 इज इक्वल टू 10+2x+6। ये +6 + 6 यहीं कैंसिल कर दिया अपन, चाहते तो हम इन दोनों को प्लस करके 6 को इधर से माइनस कर सकते थे, तो +6 + 6 यहीं कैंसिल कर दिया, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फाइंड आउट करता हूँ, अगर मिल गया तो बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अगर ये ट्वाइस और थ्राइस अगर मॉडल आ गया तो थोड़ा सा आप लोग तकलीफ में आ जाते, थोड़ा सा तकलीफ में आ जाते, राइट। ट्वाइस और थ्राइस अगर मॉडल आ गया थोड़ा आप लोग तकलीफ में आ जाते, थोड़ा लॉजिकली उसको सॉल्व करना पड़ता होता है, ठीक है। आप दो समीर, नहीं वो बोर्ड एम्पलीफायर खींचना शायद, 3 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मोर बोले तो 4:1, वहाँ पे स्टेटमेंट क्या था, 3 times मोर था, 3 times मोर अगर होता तो अपन 4:1 लिखते थे, 3 years मोर देन थ्राइस द एज ऑफ हिज सन बोला, तो जितने बोला उतने लिखना, अगर खाली मोर बोला तो 1+ करना, मोर के साथ टेबल इधर खींचो, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, और एक क्वेश्चन है, 10 years अगो द डॉटर वॉज हियर, ये आसान है, 10 years अगो द डॉटर वॉज, 10 years अगो द डॉटर वॉज, 10 years अगो द डॉटर वॉज, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इसको। डॉटर वॉज 2/5, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, 2/5 ऑफ हर मदर एज, ऑफ हर मदर एज, 10 साल पहले बेटी जो थी, बेटी और माँ की जो उम्र थी वो 2/5 था, 2/5 ऑफ हर मदर एज, वाइल 10 ईयर हेंस, 10 ईयर हेंस, हेंस का मतलब हमेशा क्या आएगा, आफ्टर, वाइल 10 ईयर हेंस द एज विल बी 3/5 ऑफ हर मदर एज, द एज, ये द एज बोले तो किसकी एज है, डॉटर की एज, द एज ऑफ डॉटर भी लिख सकते हैं आप, क्या बोला वो, 3/5 ऑफ हर, ऑफ हर मदर एज। कल से पावर पॉइंट लगेगा, ये तकलीफ नहीं रहती हमारे को, ठीक है। मेरे पास रेडी एक्चुअली टाइप किया हुआ है, डायरेक्ट हम उसको स्लाइड्स पर डाल देंगे, ठीक है। ओके, बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, मेरे को भी बहुत तकलीफ़ हो रही है, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है इसमें एक्चुअली, एक दिन में एक चैप्टर उड़ा सकते, ये लिखने में क्या है 10 मिनट चले जाते, ऑफ हर मदर एज। ओके, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, फाइंड डिफरेंस ऑफ द एजेस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हालांकि दिखने में वो टफ दिख रहा आपको, ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। दिखने में टफ दिख रहा लेकिन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मेटो इसको पुराने वाले हो। कुछ क्वेश्चंस को आप अपने वो जो डायग्राम मेथड से निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन को आप डायग्राम मेथड से निकाल सकते हैं। दो कंपैरिजन दिया ना, यहाँ पे एक दिया, यहाँ पे एक दिया, ओके, राइट। तो पहले क्या बोला, देखो 10 years अगो द डॉटर वॉज 2/5 ऑफ हर मदर एज बोला, 10 साल पहले, तो ये प्रेजेंट,
ये सिस्टम कहीं भी नहीं है, राइट। मैं लॉजिकली इसको सॉल्व करा, 10 साल पहले बोल तो 10 साल पहले ना, माँ और बेटी की उम्र में उम्र का जो क्या है 2/5 ऑफ हर मदर एज। तो सिंपल इसको क्या करना मालूम, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जाहिर बात है 2/5 बोले तो 2 बेटी है 5 मदर है, दैट्स ऑल।